नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में टीचर्स भर्ती सहित अनेक भर्तियां पिछले कुछ समय से लंबी चल रही है। इसके अलावा नई भर्तियां हैं, विशेष तौर से रीट या आरपीएससी की भर्ती है, उसको लेकर भी इंतजार बढ़ता जा रहा है। कईयों में सिलेबस तय नहीं है, कईयों के परिणाम नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा कई भर्ती है उनके नोटिफिकेशंस में कुछ प्रॉब्लम है, या कई भर्ती न्यायालय में लंबित है। इन सभी भर्तियों को लेकर सरकार गंभीर है और इसी को लेकर 21 तारीख को मुख्यमंत्री बैठक लेने वाले हैं। बैठक में क्या मुद्दे हो सकते हैं, किन भर्तियों पर फैसला हो सकता है, उसी को लेकर ये वीडियो आपके लिए लाया गया है। इसलिए वीडियो महत्वपूर्ण है, इसे कृपया अभी से लाइक कर दें और वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। आइए देखते हैं, सबसे पहले स्क्रीन पर नजर डालें तो जयपुर में भर्तियों को लेकर गंभीर हुई सरकार। मुख्यमंत्री 21 जनवरी को लेकर बैठक में बजट की घोषणा में जो भर्तियां सम्मिलित की गई थी, उन पर जो अटकी हुई भर्तियां उनके ऊपर भी कुछ फाइलें, उन पर विचार होगा और बजट में घोषित भर्तियां विभागों में चल रही प्रगति पर भी चर्चा की जाएगी। आपको पता है कि इन भर्तियों में जहां सीएम बैठक लेते हैं, वहां पर सभी विशेष तौर से जो मुख्य सचिव, शिक्षा सचिव और वित्त सचिव के साथ साथ अन्य विभागों के सेक्रेटरी, जो सबसे बड़े ऑफिसर्स हैं, वो इंक्लूड किए जाते हैं, वो सम्मिलित होते हैं। तो ये किन मुद्दों पर विचार होने की संभावना है, सबसे पहले देखिए कि इन भर्तियों पर विचार किया जाएगा। सबसे पहले रीट भर्ती, शिक्षकों की जो रीट भर्ती है उसके 31,000 पदों की सरकार ने घोषणा की है, लेकिन इसका पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न तय नहीं किया गया है। एजुकेशन सेक्रेटरी को अगर बुलाया जाता है तो उनसे पहले पूछा जा सकता है कि इसको लेकर क्या प्रोग्रेस हुई है। तो शिक्षा मंत्री और इन्होंने आश्वासन दिया था कि 20 तारीख के आसपास ये पाठ्यक्रम जो है वो जारी कर दिया जाएगा और परीक्षा का पैटर्न भी तय किया जाएगा। हो सकता है बैठक से पहले आपको बड़ी खबर मिल जाए कि ये पैटर्न तय हो जाए या बैठक के दौरान इस पर विचार किया जाए। इसके अलावा दूसरा पॉइंट अपन देखते हैं, फर्स्ट ग्रेड भर्ती 2020 जो 3,000 पदों पर होने वाली है, लोगों को अभी तक संशय है कि क्या ये भर्ती अगस्त सितंबर में हो पाएगी। उस पर अगर निर्णय लिया जाना है तो वो भी इस बैठक का एक प्रमुख मुद्दा हो सकता है। इसके अलावा कॉलेज लेक्चरर के 1,000 पदों पर पिछले काफी समय से सरकार ने घोषणा कर रखी है, उसका विज्ञापन जारी नहीं हो रहा है, तो ये मुद्दा भी प्रमुखता से रहेगा क्योंकि बजट घोषणाओं में इनको भी इंक्लूड किया गया। अन्य विभाग की भर्तियों की बात करें तो चिकित्सा और कुछ बड़े महकमे हैं, चाहे बिजली विभाग हो चाहे चिकित्सा विभाग हो, इनकी कुछ भर्तियां हैं, उनके ऊपर भी अभी विचार किया जाएगा। हो सकता है अगले कुछ दिनों में कई भर्तियों के नोटिफिकेशंस जारी किए जाएं क्योंकि बजट में जो घोषणा हो चुकी है उस पर अमल किया जाएगा। अब बात करते हैं उन भर्तियों की जो पहले से लंबित है, तो पुरानी लंबित भर्तियों पर मंथन किन पर हो सकता है। शिक्षा विभाग की भर्तियां जो 2012 और 13 को लेकर न्यायालय के कुछ निर्णय आए, इसके अलावा 2016 में कई विषयों को लेकर कोर्ट ने ऑर्डर जारी किए हैं, विशेष तौर से जो खाली पद हैं उनको अंतिम पद भरने तक प्रक्रिया जारी रखने को लेकर जो आदेश आया उसका दूरगामी प्रभाव पड़ने वाला है। इसलिए 2016 के बेस पर बाकी भर्तियों में भी ये प्रक्रिया जारी रखी जाएगी और हो सकता है कि सभी भर्तियों की वेटिंग जारी की जाए। इसके अलावा रीट शिक्षक भर्ती 2018 लेवल 2 और लेवल 1 की वेटिंग का मामला भी जो है वो संज्ञान में है सरकार के और उसको लेकर कमेटी बनाई जा चुकी है, इसकी प्रगति पर भी फैसला लिया जा सकता है। और अब लगभग चांस बन रहे हैं कि लेवल 2 की पहले वेटिंग आ जाए, अगर ऐसा होता है तो लेवल 1 की भी वेटिंग जल्द आ सकती है। एलडीसी व अन्य भर्तियों के मुद्दे भी इसमें छाए रहेंगे। गुर्जर आरक्षण को लेकर भी कल बैठक हुई और उसमें सचिव स्तर की वार्ता है वो विफल हो चुकी है और उस पर जो है अब मुख्यमंत्री स्तर पर वार्ता के लिए किरोड़ी जी भैंसला ने कहा है। तो गुर्जर आरक्षण की जो समस्या है, विशेष तौर से लंबित भर्तियों में आरक्षण की समस्या पर भी विचार किया जा सकता है। तो ये कुछ मुद्दे हैं जिन पर विचार किया जाएगा इस बैठक में। और विशेष तौर से आरपीएससी और शिक्षक भर्ती से संबंधित लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान दबाएँ।